हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर एक नई अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है आपके विजया बैंक प्यून के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो पहले हम बता देते हैं आपको कि ये वैकेंसी जो है ऑलरेडी आ चुकी थी मार्च में और इसे कैंसिल कर दिया गया था, और अब जो है इसकी नई वैकेंसी वापस से आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, प्यून की भर्ती आने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कब से आप जो स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आपको फॉर्म भरना होगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले इस वीडियो को, तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट नौकरी चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और जब भी कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है तो उसकी नोटिफिकेशन से लेके उसके फाइनल रिजल्ट तक हम पूरी जानकारी आपको स्मार्ट नौकरी चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं सबसे पहले आपको पुरानी बातें बता देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि 22/6 को देखिए लेटेस्ट अपडेट यहाँ दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी थी 421 जो कैंसल्ड है। देख लीजिए यहाँ पर जो पहले वैकेंसी आई थी विजया बैंक पी, उनकी स्टार्टिंग टू डेट अप्लाइंग का था वो 7 मार्च से स्टार्ट था और 14 मार्च तक आपको भरना था, यानी कि आपको 7 दिन का समय मिला था। जी हाँ, बहुत ही फास्ट था ये, क्योंकि 7 दिन बहुत ही कम दिया गया था फॉर्म भरने के लिए, फिर भी बड़ी मात्रा में लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। और इसकी जो एज लिमिट थी, जी हाँ दोस्तों, एज लिमिट जो थी इसकी थी मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम जो थी वो 26 साल। लेकिन अगर आप एज रिलेक्शन में आना चाहते हैं तो यानी कि आप एससी, एसटी, ओबीसी यानी किसी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आपको छूट भी दी जाती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो वैकेंसी की डिटेल्स हैं, यही चीज़ें आपको जो है वापस से रिवाइज्ड होने वाली है, इसलिए आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। वैकेंसी की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि कम नहीं होने वाली बल्कि बढ़ने वाली है, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो उसका सेम रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो कैंडिडेट शुड पास 10th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है 10वीं पास होना अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य के केंद्र शासित प्रदेश हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब आप कहीं से भी पास हो, चाहे जम्मू कश्मीर के ही क्यों ना हो आप, चाहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, आप किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज है। जी हाँ दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है बैंक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक बात और बता दूँ, विजया बैंक की जो भर्ती आने वाली है, ये विजया बैंक अब आपको जो है पता हो चुका होगा, ऑलरेडी पता होगा, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जो है इसका विलय हो चुका है। यानी कि अब जो वैकेंसी आएगी वो विजया बैंक के नाम से नहीं आएगी, वो आने वाली है बैंक ऑफ बड़ौदा प्यून रिक्रूटमेंट 2019। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको जो है ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप क्या करेंगे, बार बार वेबसाइट पे जाकर विजया बैंक सर्च करेंगे, जो कि अब नहीं है अवेलेबल, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम रीजन वाइज, नेम, पोस्ट नेम, टोटल, नोटिफिकेशन और क्लिक हियर टू अप्लाई। तो देख लीजिए, अहमदाबाद गुजरात में जो है 12 पोस्ट है पीयून की, और पार्ट टाइम सुपर की जो थी वो थी 3 पोस्ट। बेंगलोर यानी नॉर्थ कर्नाटका में पीयून की 10 पोस्ट रहेगी, पार्ट टाइम सुपर की 4 पोस्ट। बेंगलुरु 10 रहेगी, पार्ट टाइम सुपर की 4। भोपाल यानी मध्य प्रदेश में 18, पार्ट टाइम स्वीपर की 7। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब वालों के लिए 10 प्यून की है और स्वीपर की जो पार्ट टाइम है, इसमें देखिए पार्ट टाइम अलग है और जो प्यून है वो परमानेंट है, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा जिस चीज़ में आप अप्लाई करते हैं वो। यहाँ दिल्ली और हरियाणा वालों के लिए देखिए दिया हुआ है प्यून के लिए 11 पोस्ट, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 4 पोस्ट। गुवाहाटी यानी आसाम के लिए 3 पोस्ट है प्यून के लिए, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ पे हासन कर्नाटका में प्यून के लिए 6 पोस्ट, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 3 पोस्ट। हुबली कर्नाटका में प्यून के लिए 3 पोस्ट, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 4 पोस्ट। जयपुर राजस्थान में सबसे ज़्यादा पोस्ट देखिए 21 पोस्ट है यहाँ पे प्यून की, और पार्ट टाइम स्वीपर की 5 पोस्ट। बात करें कोची, तो कोची के लिए देखिए प्यून के लिए 12 पोस्ट, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 5 पोस्ट। ऊपर कालबर्ग छूट गया हमारा कर्नाटका का, जिसमें 7 पोस्ट प्यून के, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 3 पोस्ट। ये जो शहर के नाम है दोस्तों, सिटीज़ के नाम है, कोची केरला में देख लीजिए। अब कोलकाता में आते हैं हम, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लिए प्यून के लिए 14 पोस्ट और पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 8 पोस्ट। अब आ जाते हैं केरला में प्यून के लिए 13 पोस्ट, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 5 पोस्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहाँ पे आप देख लीजिए प्यून के लिए 10 पोस्ट, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 2 पोस्ट। और ऊपर आ जाते हैं हम मंड्या, देखिए कर्नाटक में 7 पोस्ट प्यून के लिए, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 3 पोस्ट। मैंगलोर में आपको है प्यून के लिए 6 पोस्ट, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 4 पोस्ट। मेरठ उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 8 पोस्ट है प्यून के लिए और पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 5 पोस्ट। मुंबई महाराष्ट्र, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फेमस और चर्चित शहर मुंबई के लिए है आपको प्यून के लिए 8 पोस्ट और पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 4 पोस्ट। मैसूर में आपको मिलेंगे 4 पोस्ट प्यून का, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 3 पोस्ट। ये सारी वैकेंसी वैसी की वैसी रहेगी दोस्तों, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाला। जी हाँ, टोटल ओवरऑल जो आपकी वैकेंसी की संख्या है वो नंबर्स बढ़ जाएंगे जी, उसमें ज़रूर इजाफा होगा, लेकिन
जो स्टेप वाइज मैं आपको स्टेट वाइज बता रहा हूँ, ये शहर के नाम वही रहेंगे, यहीं आपको वैकेंसी सेम वापस मिलेगी, क्योंकि जितना भी विजया बैंक के हैं सिर्फ उनका नाम चेंज हुआ है, उनका स्थान नहीं चेंज हुआ, यानी सारे विजया बैंक का सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो अब हम आ जाते हैं नागपुर यानी महाराष्ट्र में ही आते हैं, नागपुर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लिए देखिए 11 पोस्ट है पीयून के लिए, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 6 पोस्ट, पटना बिहार यूपी और झारखंड वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ, 14 पोस्ट पीयून के लिए, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 7 पोस्ट, पुणे महाराष्ट्र के लिए 8 पोस्ट पीयून के लिए, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 4 पोस्ट, शिमोगा कर्नाटका के लिए 6 पोस्ट, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 3 पोस्ट, सूरत गुजरात में 8 पोस्ट पीयून के लिए, पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 02 यानी 2 पोस्ट। अब बात करते हैं UDUPI कर्नाटका के लिए, तो देखिए 7 पोस्ट हैं और पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 4 पोस्ट, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के लिए पीयून के लिए 7 पोस्ट और पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 4 पोस्ट, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही 07 पीयून के लिए पार्ट टाइम स्वीपर के लिए 4 पोस्ट। तो ये सारी वैकेंसी है आपको जो है मिलने वाली है वापस से, एक बार फिर से जो है आप पीयून के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द, और वो जल्द आपका आने वाला है अक्टूबर के लास्ट वीक में। जी हाँ दोस्तों, हमने बात भी की है, हमारे जो है कर्मचारी हैं जो बैंक के उनसे जाके पर्सनली बात की, हमने विजिट की मुंबई में कि सर जो विजया बैंक की भर्ती कैंसल्ड हो गई थी तो उसका आगे का क्या प्रोसेस है, क्या वो निरस्त हो गई तो वापस आने वाली है या नहीं, क्योंकि अब विजया बैंक तो जो है रहा नहीं, क्योंकि अब उसका विलय हो चुका है ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो वहाँ से हमें जानकारी मिली कि वैकेंसी तो रहेगी, क्योंकि वैकेंसी नीडेड थी इसीलिए वैकेंसी जारी की गई थी, बट काफ़ी धांधली होने की वजह से अब जो है CBT पे होने के चांसेस है अब, लेकिन ये बात अभी तक श्योर नहीं है। तो दोस्तों आपकी जो वैकेंसी है वापस से आ रही है, अक्टूबर के एंड में आपको जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा पीयून रिक्रूटमेंट 2019 के नाम से, और आप जो है इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानकारी मिली होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और साथ ही दोस्तों इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी तैयार हो जाए पीयून भर्ती के लिए और अभी से अपनी तैयारी में लग जाए। तो मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी नई अपडेट के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।